हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि इसका थर्ड जो प्रेजेंट टेंस की जो थर्ड टाइप है दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमने कंटिन्यूअस में और इंडेफिनेट में पढ़ लिया था कि कौन कौन से रूल्स किस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं वो उनके अंदर आते हैं। अभी आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस के अंदर होता है कि द एक्शन दैट हैव डन नाउ, जो पहले हो चुका है, अभी रिसेंटली जो फिनिश हुआ है उसकी बात करते हैं। ओके, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन कौन सा होता है? जिसके बारे में जो अभी अभी हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है कहीं पास्ट में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी प्रेजेंट पे भी है, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे आप कोई बात कर बोलते हो कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, कि मैंने अपना काम कर चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल पहले काम कर लिया है या बहुत देर पहले, मतलब रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आपने अपना काम फिनिश किया है, दैट इज अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस, अभी इसके अंदर भी आपका हैज और हैव आएगा, जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दैट इज द हैज आर हैव प्लस आपकी वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या रूल है? सब्जेक्ट हैज या हैव, मतलब कुछ आपके सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और कुछ के साथ आपका हैव लगेगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इन द लास्ट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी कि हर सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो। ओके, कहीं आपके सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है और कई बार होता भी है। तो अब आपने इसके रूल के अकॉर्डिंग आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर सेंटेंसेस फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस बनाते हैं। आप बोलते हो आई हैव, आई के साथ हैव आता है। अब ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि जैसे ही शी इट या कोई भी नेम, किसी का भी नेम, उसके साथ आपका हैज आता है। ओके, दे यू वी आपका हैव आता है, और आई आपका बेशक सिंगुलर है, आई आपका सिंगुलर वन ही है, लेकिन उसका अलग से रूल है। आई जो है दैट इज ऑल्सो द हैव, आई के साथ भी आपका क्या आएगा? हैव ही आएगा, आई हैव। आपने कभी खुद भी सेंटेंसेस बोले होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आपने कभी आई के साथ हैज पढ़ा है? नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, यू हैव टू पुट हैव विद द सब्जेक्ट आई, आई के साथ आपको हैव ही प्रॉपर जो सेंटेंस फॉर्मेशन में लगाना है। इस तरह से ये आपके सब्जेक्ट हैं और इनके साथ आपका हैज हैव आएगा। अब मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करके बताऊंगी। जैसे फर्स्ट आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, मैं आई ही ले सकती हूँ, आई हैव। अब हैव लगा लिया, अब आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं लिख रही हूं आई हैव डन माई आई हैव डन माई लंच, मैं अपना लंच जो है वो कर चुकी हूँ, मतलब मैंने थोड़ी टाइम पहले ही अपना लंच फिनिश किया है। तो दैट इज द रिसेंट एक्शन, जो हमारा फिनिश हुआ है उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे हम बता रहे हैं। तो दैट इज द, यहाँ पे देखिए आपका पास्ट और प्रेजेंट के बीच में लिंक आता है। आपने अभी बता रहे हैं कि मैंने जो वो एक्शन किया है वो थोड़ी देर पहले हुआ, दैट इज द पास्ट एक्शन, पास्ट में जा रहा है ना थोड़ी देर पहले का, और जो अभी आप उस एक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज द प्रेजेंट वन। ओके, तो आई हैव डन माई लंच, तो मैं अपना लंच जो है मैं वो कर चुकी हूँ अभी। हम अभी इस तरह के जो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपके किस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें आप एंड में आता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, मतलब कर चुकी हूँ, जा चुके हैं, जा मैंने अपना काम कर चुका हूँ, तो इस तरह से जो एंड के वर्ड्स हैं वो इस साउंड से रिलेटेड जो है वो दैट विल इंक्लूड अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डन, आप नेक्स्ट बना सकते हैं ही हैज गॉन,
अब ऑब्जेक्ट ना भी लगाए तो इट्स ओके, तो ही हैज गॉन, मतलब वो जा चुका है, कहीं भी हो गया हो सकता है स्कूल जा चुका हो सकता है मार्केट जा चुका हो सकता है कहीं और गया हो, तो दैट इज ही हैज गॉन, वो जा चुका है. दे हैव प्लेयड, वो क्या है, खेल चुके हैं, दे हैव प्लेयड, वो खेल चुके हैं. तो अब देखो मैं हैव लगा रही हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, हैव लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लगाया गो वेंट गॉन, दिस इज द थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, दिस इज डन इज आल्सो द थर्ड फॉर्म, एंड प्ले प्लेयड प्लेयड, दिस इज आल्सो द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्ले. ओके, तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज विल कम अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये आपका इसका पॉजिटिव वे हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. इसी में आपको मैं नेगेटिव बना के बता दूं, आई हैव डन माई वर्क. अब इसी में आपने नेगेटिव बनाना है तो आप क्या पुट करोगे, आई हैव नॉट डन माई लंच, मैं अपना काम नहीं कर चुकी हूँ. ठीक है, मैंने अभी अपना काम नहीं किया है, मतलब मैं अपना काम अभी फिनिश नहीं किया है. तो आई हैव नॉट डन माई लंच, मैं अपना लंच अभी पूरा नहीं कर चुकी हूँ. ही हैज नॉट गॉन, वो नहीं जा चुका है, वो अभी तक नहीं गया है. ठीक है, दे हैव नॉट प्लेड, वो नहीं खेले हैं. तो दैट इज द इंक्लूड अंडर द, दीज आर द थ्री टाइप ऑफ टेंसेस सेंटेंसेस. ठीक है, अब इसके ही आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में आप नेगेटिव हटा दीजिए, ये आपका नेगेटिव भी बन गया. किस तरह से आप नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव में आप क्या करते हैं, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आपका हेल्पिंग वर्ब हैव, अभी आप यू लगा लीजिए, हैव यू डन माई लंच, हैव यू डन यूअर लंच, हैव यू डन यूअर लंच, क्या तुम अपना लंच कर चुके हो, हैज हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है, दिस इज द ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. Have they played? क्या वो खेल चुके हैं? This is also the question mark. इस तरह से आप helping verb को बाहर निकाल के अपना जो tense sentence है वो formation कर सकते हैं. और आपका negative भी इसी तरीके से बनेगा. Have you not done? Here, has he not gone? Have they not played? तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने देख लिया किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है. अब आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, फ्रंट में रखेंगे तो आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा, और बीच में नेगेटिव लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस. जैसे स्कूल में बहुत बार टीचर्स पूछते हैं स्टूडेंट्स, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यस मैम वी हैव डन आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं. तो दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो कई बार टीचर पूछती है हैव यू डन योर लंच, क्या आपका लंच फिनिश हो गया, जहाँ आप अपना लंच कर चुके हो, दिस इज ऑल्सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज विल कम अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले आपको अपना जो रूल है दैट शुड बी क्लियर, कि किस तरह से रूल फॉर्मेशन है और किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू द रूल. रूल आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रूल याद रखिए तभी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो पाएगा. इफ़ यू फॉरगेट योर रूल देन हाउ कैन यू फ्रेम द सेंटेंस प्रॉपरली, कैसे आप प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपका रूल ही नहीं आपको लर्न है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल को ध्यान में रखना है, कौन सा रूल है, किस तरीके से. इट्स वेरी इजी टू रिमाइंड द रूल्स, आप सभी रूल्स को एक फ्रेम करके रखिए कहीं पे, और आपको ध्यान में रहेगा कि किस सेंटेंस में क्या आएगा, किस टेंस में क्या आएगा. जब ये फिनिश हो जाएगा तो मैं एक ओवरव्यू ले लूँगी कि सभी टेंसेस का, प्रेजेंट का, कि कौन से टेंसेस हैं इसके अंदर और किस तरीके से उसके अंदर रूल आते हैं. ओके ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके एंड थैंक्स गाइज. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.